में आगे है तू, जागो इट्स ओनली वुमन, इट्स ओनली वुमन, याद है तू सब में आगे है तू, जागो इट्स ओनली वुमन, इट्स ओनली भाई बात करें, ये डिजाइनर कैंडल्स तो लाजवाब है। इसके अलावा अगर आप घर पर ही खूबसूरत कैंडल्स बनाना चाहती हैं तो चलते हैं आर्टिस्ट लक्ष्मी सिंघला के पास, जो आपको बनाना सिखाएंगी बैटरी ऑपरेटेड जेल कैंडल्स। तो चलिए चलते हैं लक्ष्मी जी के पास। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी सिंघला। दोस्तों, दिवाली पर आप अनेक तरीके के कैंडल बना रहे होंगे और खरीद भी रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी एक अनोखी तरीके की बैटरी ऑपरेटेड लाइट कैंडल। इसे बनाने के लिए हमें ये सब सामान चाहिए: जार, जेल, कुछ है मोटिव्स, मोती चाहिए, स्ट्रिंग और बैटरी ऑपरेटेड लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं कैंडल बनाना। सब में आगे है तू, जागो वुमन, इट्स ओनली वुमन, इट्स ओनली भाई बात करें, ये डिजाइनर कैंडल्स तो लाजवाब है। इसके अलावा अगर आप घर पर ही खूबसूरत कैंडल्स बनाना चाहती हैं तो चलते हैं आर्टिस्ट लक्ष्मी सिंघला के पास, जो आपको बनाना सिखाएंगी बैटरी ऑपरेटेड जेल कैंडल्स। तो चलिए चलते हैं लक्ष्मी जी के पास। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी सिंघला। दोस्तों, दिवाली पर आप अनेक तरीके के कैंडल बना रहे होंगे और खरीद भी रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी एक अनोखी तरीके की बैटरी ऑपरेटेड लाइट कैंडल। इसे बनाने के लिए हमें ये सब सामान चाहिए: जार, जेल, कुछ है मोटिव्स, मोती चाहिए, स्ट्रिंग और बैटरी ऑपरेटेड लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं कैंडल बनाना। सबसे पहले हम इस जेल के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इसमें हमें मेल्ट करके कुछ भी नहीं डालना, जल के छोटे छोटे पीसेस करके ही हमें पूरी कैंडल बनानी है। जैसे सेटिंग करी हमने, अब इसके अंदर हमें लाइट डालेंगे। लाइट डालते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि वो टुवर्ड्स वॉल ज्यादा रहे, यानी कि वो बीच में ना रहे। एक में रखेंगे, फिर देखिए किस तरीके से सेटिंग होगी। यहाँ पर हमने कैंडल रेडी की हुई है, जो सनलाइट में रख के सेटिंग होके रेडी है। देखिए इसका लुक ऐसा आएगा, ये सेटल कैंडल है। ये चंक्स अभी थोड़ी देर में जब बिल्कुल सेटल हो जाएंगे तो सेम ऐसे लगेंगे। अब इनका लुक देखें। अब आप चाहें तो इस पर आप कैंडल भी जला सकते हैं। आप ऐसे एक्स्ट्रा टी लाइट रख दीजिए और इस पर रख के आप इसको जला सकते हैं। वैसे तो अपने आप में कम्प्लीट कैंडल है, लेकिन फिर भी यदि आपका मन करता है कि मैं इसके ऊपर एक कैंडल लगाऊं, तो आप इसको कैंडल की तरह से लगा सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितने कम समय में हमने ये सुंदर सी बैटरी ऑपरेटेड कैंडल बनाई। तो इस तरह दिवाली पर आप भी अपने लिए ऐसी ही सुंदर सी कैंडल बना के घर को सजाइएगा।